अंकुल बहुत 15 इश्यूज लेके सरकार का पास में, क्या क्या इश्यूज है? इशू तो ऐसे है, 15 पॉइंट को आपका ये जो डिटेल एलाबोरेट करने से कम हो जाएगा, हम पॉइंट वाइज बता देगा। इसलिए इमीडिएट कैंसलेशन ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सप्लाई, इसको हम लोग मांग किया है, इसको आप ये कर दो बोल के। इसका रीज़न ये है कि आपका ये जो डिसेंट्रलाइज करके जो यूनिफॉर्म सप्लाई जो स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है, ये फिजिबिलिटी और रियलिस्टिक नहीं है बोल के। और इससे रिसेंट पास्ट में जितना भी हुआ है उसको वन साइज कपड़ा मिला है और इंफीरियर क्वालिटी मिला है बोल के हम लोग इसलिए ये मांग किया है कि डिसेंट्रलाइज करके प्रो DDSC में करने दो। ये हम लोग का पहला मांग है। दूसरा है, हम लोग टीचर्स एनुअल फंड मांग दिया है, क्योंकि रिसेंट केस में आप लोग देखा कि टीचर्स लोग को क्या होता है कि आरती एक्ट का मुताबिक स्टूडेंट से फीस कलेक्ट मत करो बोलते हैं, बट देन उसको छोड़ के आप चार दीवारी में पढ़ाने ये को जो क्वालिटी एजुकेशन देना उसको देना है, उसको छोड़ के आपका थ्रू आउट द ईयर में आपका को करिकुलम एक्टिविटीज होता है, जैसे कि नेशनल कैलेंडर इवेंट्स जो ये होता है 26 जनवरी, 15 अगस्त आपका चिल्ड्रंस डे, और ये सब को सेलिब्रेट करने के लिए एक कंपोजिट पान जो आता है, जैसे SA1, SA2, FA1, ये सब को ये और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कल्चरल एक्टिविटी को ये करने के लिए लोग को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं देता है, तो इसलिए इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एंड एड हम लोग मांग दे रहा है ये कर टीचर्स के लिए, ये है। तीसरा, हम लोग इमीडिएट रिक्रूटमेंट ऑफ TGT PGT टीचर, जो डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में हम लोग जाके पता किया है कि उसमें करीबन 273 TGT और 80+ पोस्ट वैकेंट है, उन लोग डिपार्टमेंट एजुकेशन सेक्रेटरी को लिखा है, तो उन लोग का कहना ये है कि डिले कर रहा है, तो उसको हम लोग अर्ली डिमांड कर रहा है कि जल्दी से, मैंने एज ऑफ नाउ कि टीचर का शॉर्टेज है, इसको हम लोग मांग कर रहा है, वो ब्रीफ एंड शॉर्ट में बोल रहा है। तो तीसरा, ये जो 4 पॉइंट जो स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस को मेरा जनरल सेक्रेटरी तो बोल चुका है देवी पूरी अस्तर डे, इसमें आप लोग को इसलिए हम नहीं बोलेगा। चौथा, DBT सिस्टम को हम लोग ये करो बोल रहा है कि ये आइडिया भी आपका रियलिस्टिक नहीं है, जितना भी ग्रांट्स एंड एड जो स्टूडेंट्स को मिलता है उसको हम लोग बोल रहा है कि बेहतर ऑप्शन में आप लोग जाइए बोल के हम गवर्नमेंट को ये सजेस्ट कर रहे हैं, कि क्योंकि DBT मोड में जाने से जो रिमोट सेक्टर जो निशी इनहेबिटेंट एरिया में जिसका बैंक नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उनको प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग का पेरेंट्स का तरफ से स्टूडेंट्स का तरफ से कंप्लेन आया, इसको हम लोग ये किया। और 6 नंबर है, तो इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्मिटी स्कूल फीस इन द वेरियस प्राइवेट स्कूल, तो हम लोग का ये है कि जितना भी कैपिटल में बोलो हर एक जगह में जो प्राइवेट स्कूल जितना भी है उसका फी स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम लोग स्पेशल एक गाइडलाइंस एक यूनिफॉर्म फीस के लिए हम लोग बनाओ बोल रहे हैं, तो उसका फीस बिल्डिंग फॉर DDSC को मांग कर रहा है। DDSC कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो 81 स्कूल को कैटर कर रहा है, देखभाल कर रहा है, वन ऑफ द माने बिजिएस्ट DDSC होगा और डेंसली पॉपुलेटेड वाला कैपिटल रीजन में है, तो उसका दुख वाला बात यह है कि इसमें परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं DDSC को जो मॉनिटर करेगा, तो उसको भी हम लोग मांग रहे हैं। और प्रॉपर लैंड अलॉटमेंट फॉर एवरी स्कूल, बाउंड्री वॉल डिमार्केशन LPC अलॉटमेंट हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट जो होता है बहुत रैम्पेंट केसेस में होता है, आप लोग मालूम है लैंड ग्रैबिंग जो क्वार्टर इंक्रोचमेंट वो चलता है, अभी जा जाके स्कूल इंस्टीट्यूट को भी पब्लिक लोग यहाँ का नहीं छोड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस स्ट्रॉन्ग रेजुलेशन का साथ प्रॉपर डिमार्केशन बिफोर इट इज़ टू लेट हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको आप काइंडली डिमार्केट कीजिए। 10 पॉइंट हम लोग का स्पेशल पैकेज निशी इनहेबिटेंट एरिया के लिए, जो आपका ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया हो तो उसका चलते होने से भी, या तो स्टेट गवर्नमेंट दूसरा ये फंड एलोकेट करके, सिंस निशी जो लेट स्टार्टर है हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पॉपुलेशन वाइज भी हम लोग ज़्यादा है, तो उसके लिए स्पेशल पैकेज दो बोल के हम लोग मांग कर रहे हैं। और 11 पॉइंट हम लोग का इंट्रोड्यूस निशी ड्रेस एज ए यूनिफॉर्म ड्रेस, जितना भी निशी 7 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये बोल रहे हैं कि जितना आपका ग्रांट्स एंड एड्स जैसे अभी 32 करोड़ हाल ही में दिया है, लाइक वाइज वो पैसा को ये करके बाइपार्केट करके निशी डोमिनेंट एरिया में आप एज ए ग्रांट्स एंड एड्स जो यूनिफॉर्म जो होता है, तो निशी का आइडेंटिटी कल्चर को ये करने के लिए प्रमोट करने के लिए और वेविंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमी सेक्टर का भी अपलिफ्ट होगा, इसलिए हम लोग मांग किया है। और ये तो लोकल पर वोकल का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नॉर्म्स है, तो आप लोग का इसका चलते एजुकेशन डिपार्टमेंट का चलते एक मार्केट भी होगा वीविंग इंडस्ट्री के लिए, और आप लोग का निशी ट्रेडिशन और कल्चर भी प्रोटेक्ट होगा, ये हम लोग का मांग है। और ये है 12 पॉइंट में हम लोग का जो इमीडिएट जो 400 नोट्स जो ISC टीचर 2019 में कैबिनेट डिसीजन जो अप्रूव हुआ था
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अपना वादा को पूरा करो बोल के, क्योंकि ये एक मेजर ये होगा, बूस्ट होगा आईसीसी सेक्टर जो टीचिंग प्रोफेशन के लिए, अपना वादा को पूरा करो बोल के हम रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो होपफुली और ये करेगा। और 13 पॉइंट में ये है कि हम लोग का क्लोजर डाउन ऑफ जीरो इनरोलमेंट स्कूल विद इन इसी ये है इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट। इसी डिस्ट्रिक्ट में जितना भी जीरो इनरोलमेंट स्कूल्स है जो दिपांग है उसको क्लोज डाउन करो, और जितना भी प्रॉपर्टी लैंड एंड प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट उसको एक्वायर करना है, ये हम लोग का मांग है। और हम लोग का तरफ से ये भी पता चला है कि अभी 0 पॉइंट ईटानगर में तो 14 है 0 पॉइंट इनरोलमेंट या जीरो इनरोलमेंट स्कूल, तो वो प्रॉपर्टी को भी टेक बैक करना है और प्रोटेक्ट करके रखना है।